For the month of May 2024. इसमें हमने क्या क्या कर लिया है पॉलिटी गवर्नेंस है इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी जो है हमने देख लिया है इसके बाद आपका इकोनॉमी आता है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है ओके okay? तो ये सब क्या क्लब वीडियो डाल दिया गया एक सिंगल पार्ट में वहां से आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो या फिर ये वीडियो जैसे एंड होगा तो वहां पे आपको वो शो हो जाएगा ठीक है इसके बाद अभी जो हम देखने वाले हैं वो सिक्योरिटी है अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले वहां पर डाल दिया गया है टेलीग्राम लिंक जो है आपके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी और साथ में अगर आपको बैच के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जो 2025 का बैच चल रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पे आपको मिल जाएगी ठीक है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब यहाँ पे चलते हैं सिक्योरिटी पे अब देखिए सिक्योरिटी ना ये पोखरण वन इस बार न्यूज में है अब बहुत बार सुना होगा आपने ये कोई अभी की बात तो है नहीं पचास साल हो गए तो एक तरीके से काफी लैंडमार्क है कि पचास साल इस दिन के हो गए तो क्या इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं पहले तो यही ये, ये जी बिल्कुल आ सकते हैं अब इसमें क्या क्या चीजें हैं कि स्माइलिंग बुद्धा तो इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा ये आपको पता होना चाहिए कंडक्ट कब हुआ है 1974 में हुआ है इतना एग्जैक्ट डेट वेट याद ना रहे लेकिन हाँ 1974 में ये हुआ है स्माइलिंग बुद्धा कहा गया और ये कहा हुआ है पोखरण वन नाम ही है इसका तो ये जो है पोखरण राजस्थान में आता है तो इतनी इंफॉर्मेशन तो यहीं से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अब ये क्या चीज से रिलेटेड था ये था आपका न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड जो कि फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया था है ना इस तरीके से हमें क्या करना रहता है किसी भी पॉइंट्स को सेग्रीगेट करके पॉइंट्स तोड़ के समझना होता है तभी तो आप रिटेन रख पाएंगे माइंड में लंबे टाइम तक ओके okay? तो इसी तरीके से जो है आपका प्रीलिम्स का भी पूरी तैयारी चल रही है मेंस की भी तैयारी चल रही है और आप इमेजिन नहीं कर सकते वो सिर्फ फोर ट्रिपल नाइन में साल भर के लिए आपको प्रीलिम्स मेंस और वो पूरी वैलिडिटी रहेगी आपकी नेक्स्ट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मेन्स तक ओके okay? तो इतने कम प्राइस में यहाँ पे काफी लोग अब मिलके यहाँ पे कोलेबरेट कर रहे हैं काफी पीपीटीज हर वीडियोस पे आपको मिल रही है और काफी आ, आप सबका रिस्पांस भी आया अच्छा है, है तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच इसलिए हमने थर्ड बैच जो है यहाँ पे हमारा अनाउंस किया है जो कि फिफ्टींथ ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा तो रजिस्ट्रेशन लिंक है फटाफट रजिस्टर करें और ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए ओके उसमें जो भी चीजें सब वहां पे आपको दिया हुआ है तो उसके बारे में हम ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे आगे चलेंगे अब देखिए जब जो एक्सप्लोजन था ना ये मिलिट्री से रिलेटेड नहीं था ये नॉन मिलिट्री पर्पज के लिए था क्योंकि वो देखने के लिए कि हम जो है आखिरकार न्यूक्लियर पावर में कैसे है पूरी दुनिया को भी बताना था खुद को भी टेस्ट करना था ये इसलिए हुआ था ओके तो इंडिया उस समय जो है पहला नेशन बन गया था पी फाइव कंट्री के अलावा परमानेंट फाइव जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चाइना रशिया क्योंकि पहले रशियन फेडरेशन कहा जाता था बाद में टूट के यूएसएसआर से रशिया हो गया फ्रांस यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स तो एक चीज समझ में आ गई आपको एशिया में दो थे चाइना और रशिया को भी आप इसी में काउंट करते आधा यूरोप आधा एशिया में फिर फ्रांस और यूके ये कहां से है आपके ये हो गया यूरोपियन कंट्रीज हो गया कि यूएसए ठीक है तो एक तो ये भी समझ में आता है कि क्या कोई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से क्या कोई कंट्री है ऐसा जो कि पी फाइव में है जी नहीं है एक तो ये हो गया तो इस तरीके से फिर आप ये भी चेक करिए कि क्या वहां से कोई ऐसी कंट्री है जो, जिसके पास अभी न्यूक्लियर पावर है तो आपको भी पता चलेगा जी नहीं नहीं है ऐसा तो इस तरीके से जब होता है ना इन्फॉर्मेशन हमें खुद लिखना है इसलिए मैंने कहा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए वहां से आप प्रिंट ले लीजिए खुद अपने पॉइंटर्स लिखते रहिए तो जितने आप पॉइंट्स लिखेंगे वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा ओके अगेन यहाँ पे आपको बता ही दिया है पोखरण राजस्थान में अब ये यहाँ पे बात ये चल रही है इंडिया ने वैसे भी काफी वॉर उस समय आसपास लड़े हैं चाइना वॉर और सिक्सटी फाइव सेवेंटी वन में पाकिस्तान के जो वॉर हुए थे जहां पे लगभग एक लाख जो पाकिस्तानी सो कॉल्ड सोल्जर्स हैं उन्होंने क्या किया था अपने हथियार डाल दिए थे तो ऐसा कहीं दुनिया में ये नहीं हुआ कि एक लाख लोग हथियार डाल रहे हैं ये है हमारी इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी का ताकत ठीक है उसी के बाद जो है आप, आपको लगता होगा कि अरे देखो ये कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं बट बांग्लादेश को जो अलग हुए तो उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ था है ना तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं रिकॉल भी करवा रहा है ये आर्टिकल इसके बाद अगर देखा जाए तो ये है आपका एपर्थिट विथ इंडिया कौन सा टेक्नोलॉजिकल अभी बात क्या है ना ये जो वर्ड है एपारथिट ये एक्चुअली में अफ्रीकन लोगों पे था गोरे काले का रंग भेद उसका मतलब ये होता है आपको लगेगा अब यहाँ पे इसका क्या काम क्योंकि सामने लग गया टेक्नोलॉजिकल तो अब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ये हो रहा था भेद किसके साथ यूएस कर रहा था इंडिया के साथ ओके कि हम टेक्नोलॉजी इनको नहीं देंगे हम ये चीज नहीं करेंगे न्यूक्लियर नॉन प्लोफन एक्ट ले आया एनपीए एक्ट तो आपको यहाँ पे पता है इसका मतलब ये था कि जिस भी कंट्री के पास ये है आपका न्यूक्लियर पावर तो उसे वो धीरे धीरे क्या करना है स्टॉप कर देना है जो परमानेंट फाइव कंट्रीज है उन्हें करने की जरूरत नहीं है ये बोलते हैं कि सब बहुत थ्रेट है तो इसे आप बंद करें अब ये बहुत बड़े बड़ी मतलब ये बात है ना कि आप क्या कह रहे हो तो इसका हल्का सा वो बता दो इसके बारे में इसका यह कहना है कि परमानेंट फाइव नेशन के अलावा जितने भी हैं पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर है इंडिया के पास भी है चाइना के पास भी है। अब एक एग्जाम्पल लीजिए ये रहा इंडिया ठीक है हम कश्मीर रीजन से इसलिए ले रहे हैं हाँ पे इधर है आपका कौन पाकिस्तान इधर है आपका चाइना अब ये तीनों कंट्री का न्यूक्लियर पावर है अब अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर मान लीजिए फिर अब खत्म कर दे ठीक है चलो आपने बोला है कि खत्म कर अच्छी चीज नहीं है मान लो जैसे तैसे यहां से भी खत्म करवा दिया बट चाइना के पास रहेगा तो ऐसे ही गई जीत जाया करेंगे भाई आपको खत्म कराना है हर जगह से कराइए ना ये थोड़ी है कि वही जो है चीजें सब सही करेंगे और कितना चाइना सही है वो पूरी दुनिया को पता है तो इस कारण जो है यहाँ पे ये यह सब लाया गया था हालांकि इंडिया ने एनपीए आज तक साइन नहीं किया है ये आपको पता होना चाहिए तो इंडिया जो है नॉन सिग्नेटरी है इसके बाद

अब मानिए यहां कहीं से या फिर आप मानिए यहां पे इंडिया है अब यहां से लॉन्च हो रहा है ठीक है अभी कहीं भी जाए ये लॉन्च होके ऊपर जा रहा है अब हमें भी पता है कि ऊपर जैसे जैसे जाएगा टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है माइनस में भी जाता है तो इस तरीके से जब एटमोसफेयर से जब ये बाहर निकल रहा है तो कभी कभी माइनस में होता है ना माइनस फिफ्टी डिग्री माइनस हंड्रेड डिग्री तो उस समय भी वो इंजन इफेक्टिवली जलते रहना चाहिए और इतना वेट उठाना चाहिए उसे कि वो जो स्पेस प्रोग्राम में ठीक है चाहे वो ह्यूमंस को ले जाना या कुछ वेट ले जाना वो उस तरीके से काम करे तो क्रायोजेनिक इंजन जो है बेसिकली माइनस जो इंडिया अचीव उस समय नहीं कर पा रहा था कि इतने कम टेम्परेचर में जो है इतना सब कुछ काम कर पाए तो क्रायोजेनिक इंजन उसके लिए स्पेशली डिजाइंड इंजन है हालांकि अब इंडिया ने ये चीज कर ली है तो बहुत बड़ी बात है रिसेंटली कुछ सालों में बट आप ये देख सकते हैं अगर मैं रिसेंटली कुछ साल बोल रहा हूँ तो कम से कम आप बीस साल का तो आप समझिए लैग हो गया इस चक्कर में तो ये यहाँ पर जो है

मटेरियल से बना है कैसे बना है क्या डिजाइन हुआ किसने इतना ज्यादा यहाँ पे हमें जाने की जरूरत होती नहीं है ठीक है अब देखिए इवोल्यूशन जो हुआ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में ये आपका 1944 की अगर बात की जाए तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यहां पे ये आया जिसने इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की फाउंडेशन रखी अब सोचने वाली होता है टाटा हर एक जगह ना अभी आजादी के पहले से इसके बाद 1972 में टू एटॉमिक रिसर्च सेंटर आया इसके बाद 1974 में पोखरण वन हुआ जहां पे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया ऑपरेशन का नाम था स्पाइलिंग बुद्धा 83 में गाइडेड मिसाइल आई डेवलपमेंट प्रोग्राम गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ताकि इससे क्या इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम जो है एक प्रॉपर वे में आ जाए आज हम देखते हैं आप मिसाइल्स में इंडिया काफी अच्छा हो गया फिर 1998 में पोखरन टू आया इसको कि नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति तो अभी ये भी आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन शक्ति जो है तब 1974 में था गलत गलती कराने के लिए जी नहीं 1998 की बात है तो इस इस समय समय कौन थे थे प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी तो वो था वाज सीरीज ऑफ फाइव न्यूक्लियर वेपन टेस्ट तो वे पांच न्यूक्लियर वेपन टेस्ट अलग अलग हुए अब ये इसलिए भी रीजन होता था करने के लिए क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को पता था अब से सैक्शन लग जाएगा बहुत सारे इश्यूज होंगे लेकिन जब आसपास आपके ऐसे देश हैं तो आप रिस्क नहीं ले सकते आपको तो अपने सशक्त होना होगा है ना ये ऐसा ऐसी बात नहीं कि करंट गवर्नमेंट आ रही है बस तो आत्मनिर्भर की बात कर रही है आप यहीं से देख सकते हैं ये सोच पहले से भी थी और ये सोच यहां भी थी है ना जब ये चीज हुई लेकिन वही वाली बात है यहाँ पे युद्ध हारे आप तब आपको लगा ना उन्नीस सौ बासठ हारे ये सब हारे तब हम इसकी जरूरत है बट ये सब जो चीजें होती है आपको पहले से एडवांस रखनी चाहिए जरूरी नहीं हार के बाद ही आप करें पहले ये सब चीजें होनी चाहिए तो अब ये जब यहाँ पे हुआ वेपन टेस्ट तो इसमें क्या हुआ बताया गया कि देखिए अब हम सिर्फ ये नहीं है कि हमारा तुक्का नहीं था हम यहां भी सशक्त थे यहां भी हम ओके okay? तो एक तो वर्ल्ड को एक ये भी हो गया क्लैरिटी की नहीं इनके पास वो है और ये वंशीना मून वाली बात नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने कर लिया ये बार बार चाहे तो सक्सेसफुली चीज कर सकते हैं न्यूक्लियर के साथ है ना क्योंकि देखिए हम बार बार खुद भी कुछ उठाते हैं ना कि चांद पे जो है नीलाम स्ट्रॉन्ग गए थे इतने साल पहले उसके बाद से अभी तक जो है यूएसए भेज ही नहीं पा रहा या फिर भेजा ही नहीं है तो उस समय गया भी था कि मजाक है होता है हम खुद ही क्वेश्चन उठा देते हैं तो ये सब इसलिए जरूरी हो जाता है ठीक है फिर 2003 में जो है इंडिया ने रखा न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन विथ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी मतलब हम किसी भी देश में न्यूक्लियर अटैक सामने से नहीं करेंगे ये हम प्रॉमिस करते हैं वैसे भी इंडिया जो अटैक नहीं करता है ठीक है तो ये रखा गया यहाँ पे लिखा किसी ने अगर हम पे किया तो हम छोड़ेंगे नहीं ओके okay? ये मतलब होता है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ओके ठीक है इसके बाद देखते हैं हम टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन इन डिफेंस तो ये डिफेंस में जो है 2024 में ये किया गया है ठीक है एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन अब टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इसकी इतनी की बात चल रही है अब यहां पे हम थोड़ा ये देख लेंगे देखिए ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी सच एस रोबोट्स एंड ड्रोन रोबोट्स एंड ड्रोन का ना अब यहाँ पे काफी यूज होने लगा है, डिफेंस में क्यों ताकि वो स्ट्राइक कर सके अब जैसे कि आप देखते हैं ना आप एक जगह रिमोट एरिया है वहां तक हम नहीं जा पा रहे तो पे आप स्ट्राइक या फिर कोई रिपीटेटिव टास्क है बार बार जाना है सर्विलेंस करना है ठीक है माने को टेरन एरिया तो यहीं से आप एक फ्लाइंग आप एक रोबोट भेज रहे हैं ठीक है और वो वहां पे चेक कर रहा है सर्विलेंस कर रहा है कि अच्छा वहां पे कितने लोग हैं कितने लोगों की गतिविधि आने जाने की क्या है अदरवाइज पहले इंसान को जाना पड़ता था तो ऐसे में उनकी जान का भी खतरा है तो ये सब चीज जो है रिस्क कहीं ना कहीं बच जाता है तो ये सब इसके लिए फिर अब, अब, अब हो गया ब्लॉक चेन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये कैसे यूज हो रहा है कि देखिए डेटा ट्रांसफर कर रहा है अब यहाँ पे सिमलेस सिक्योर हो रहा है कैसा नहीं है कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं और इंटरप्रेट किसी सामने वाले ने कर लिया ठीक है जो बॉर्डर के उस पार है तो कम्युनिकेशन जितनी ज्यादा सिक्योर होगी उतना ज्यादा सही होगा अदरवाइज हमारी जो प्लान है वो सामने वाले को पता चल जाएंगे जिसके कारण बहुत मेजर इश्यूज और लॉस हो सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे इसलिए इसका यूज किया जा रहा है फिर ए आई एंड बिट डेटा एनालिटिक्स अब बिट डेटा एनालिटिक्स का भाई आप क्या करोगे तो ये समझने वाली बात है सर्विलेंस है रिकॉन्सिनेस है स्ट्रेंथनिंग सिचुएशन अवेयरनेस है सिचुएशनल अवेयरनेस अब देखिए बात यह है कि मानिए हमने निकाल लिया कि 1947 से लेके अभी तक इतने अटैक्स हुए हैं सबसे ज्यादा ये इस साइड से एंट्री करने की कोशिश करते हैं ठीक है या फिर इधर से जो भी है ठीक है गुजरात की साइड से करने की कोशिश करते हैं या फिर कश्मीर से पूरा आपके पास डेटा पड़ा हुआ है ठीक है इस मंथ में करते हैं अक्सर इस टाइम पे करते हैं अच्छा इस समय बारिश होती है तो नहीं करते हैं इस समय यहाँ से टफ होगा तो आपके पास डेटा मॉडल आ जाता है तब आप ये सोच सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये एरिया जो है कच्छ एरिया जो है गुजरात का फॉर एग्जाम्पल ये सबसे ज्यादा रिस्क पे है तो यहाँ पे हम ज्यादा प्रोटेक्शन दें ज्यादा अपना विजिलेंस रखें तो ये इस तरीके के डेटा जो होते हैं ना यहाँ पे बहुत काम आता है ओके okay? इसीलिए यहाँ पे ये चीज दी गई है इसके बाद देखिए नैनो टेक्नोलॉजी नैनोटेक टेक्नोलॉजी जो है ये भी कुछ इस तरीके की मटेरियल्स वगैरह बना देना या फिर जो खुद ही अपने आप को हील कर ले ठीक कर ले तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ओके चलिए लैपटॉप अब अब चार्ज पे लग गया, कंटिन्यू करते हैं इसके बाद अगर देखा जाए तो इमर्जिंग वॉरफेयर अब वॉरफेयर भी अलग अलग तरीके की होने लगे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होने लगा है, कि कुछ भी डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू है ना इंसान क्या बोल रहा है कौन क्या कर रहा है पता ही नहीं चलता है किसी की आवाज किसी का चेहरा कुछ भी कर देते हैं फिर वॉरफेयर एक सोच की लड़ाई जो एक बना दिया एक नरेटिव इस तरीके से कि अब जैसे देखिए चाइना इंडिया का चल रहा था अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही है भी यहाँ की जो पोजीशन में कि इंडिया पे पूरा चाइना जो है कब्जा कर लेता अभी हम उतने स्ट्रांग नहीं है वहां पे क्या में लड़ रहे हो और फिर पूरा नरेटिव भी चल गया ठीक है कि इंडिया है चाइना पूरा ये कर लेगा ये, ये क्या होता है मेंटली हो जाता है

अगर कहा भी है वो अलग चीज है बट इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो होती है वो डिफेक्ट टेक्नोलॉजी ऐसे कर देता है लगता ही नहीं है कि वो झूठ है ओके तो ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है कि भाई डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम क्या आप तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या कुछ भी ऐसा यूज कर लो जिसके थ्रू क्या होगा क्या एनिमी का डिफेंस सिस्टम आप डिस्टर्ब कर दिए वो प्रॉपर चल नहीं रहा और आपका जो है वो प्रॉपर प्रोटेक्ट कर रहे हो आप अपना खुद को है ना अगर मान लीजिए एक कोई गैजेट है ये मान लीजिए गैजेट अब ये रहा आपका एक मैग्नेट ठीक है एग्जाम्पल दे रहा हूं कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकता है ठीक है ये कुछ इस तरीके का मैग्नेट है इसके सामने है ये अब इसे पता है कि इसके थ्रू ना या तो आप इसे डिस्टरप्ट कर सकते हैं सब मैकेनिज्म खराब कर सकते हैं या फिर इस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है आप इस तरीके से रेडिएशन से इसे सेव से कर सकते हैं ठीक है कि इस पर कोई इशू ना हो बाहर से कोई भी इंपैक्ट ना डाल सके तो अलग अलग तरीके के इशू होते हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की बात की गई है फिर वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस अब स्पेस में भी आप देख रहे हैं कि सब अपने सेटेलाइट डाल रहे हैं और फिर एंटी सेटेलाइट वेपन बना रहे हैं कि भाई उड़ा देंगे ये स्पेस में वो उड़ा दो उसको तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी कंट्री में किसी ने अटैक कर दिया चाइना ने कर दिया इंडिया पे इंडिया ने कर दिया पाकिस्तान पे या चाइना पे तो वो अटैक है आप स्पेस पे कर रहे हो आप साइबर अटैक कर रहे हो आप पूरा साइबर अटैक कर रहे हो फाइनेंशियल सिस्टम ही आपने पूरा हिला दिया पता चला कि सारे बैंक बंद पड़ गए हैं पैसा कहीं और ट्रांसफर हो गया है तो इसके कारण भी क्या होगा इकोनॉमिकल इश्यूज आ जाएंगे तो उसके कारण भी क्या है भी सामने वाला देश घुटने आ जाएगा है कि नहीं तो ये सब चीजें होती है कल शेयर मार्केट ही एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया अटैक करके कैसे भी करके तो ऐसे में क्या कोई फिर इस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा तो बहुत सारी जो चीजें होती है वो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में आती है तो अब ये चीज नहीं है कि हमें सिर्फ मेन टू में लड़ाई बस लड़नी है इसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं इसलिए यहाँ पे फोकस किया गया है तो देखिए ये रीजन है कि ओवरऑल जो ये पूरा इस पर जो आर्टिकल आया है ये इंपॉर्टेंस रखते हैं है ना ये सिर्फ एक चीज की बात नहीं कर रहे तो आपके मेन्स के लिए तो खासतौर पर पूरा डेटा आपके पास आ जाता है इस तरीके से आई कैन फ्रेम ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मुझे देखना है है ना ये चीज है बाकी आप कमेंट सेक्शन में जो है आप बिल्कुल बताएं कि किस कैसा लग रहा है आपको ये इनिशिएटिव ना थोड़ा सा इंट्रेक्शन होना चाहिए वन टू वन तब तो मजा आता है कि ऐसा नहीं कि है सी वीडियो आ रहे हैं और ये बिल्कुल लाइक वाइक कर दिया करिए लेकिन मेरा मानना है कि कमेंट जरूर किया करिए ठीक है जो गवर्नमेंट है ना इंडिया की अब वो कोशिश कर रही है कि हम लगभग प्रोडक्शन करें तीन लाख करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्शन करें चाहे वो बंदूक हो चाहे जान बचाने के लिए जैकेट हो चाहे कुछ भी चीज हो ठीक है चाहे मिसाइल्स हो तीन लाख करोड़ का और एक्सपोर्ट करे कम से कम पचास हजार का ट्वेंटी एट ट्वेंटी तक अभी इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया आप 25 एग्जाम डिफेंस आर एन डी बजट अब क्या हो रहा है एक्सपेंडिचर कम हो रहा है यहां पर ऐसा नहीं बजट कम है खर्च ही नहीं कर पा रहे उतना अगर मानिए खर्चे के लिए दिया हुआ था लगभग बीस हजार सात सौ करोड़ के आसपास तो यहाँ पे आप जो है अराउंड हजार सात सौ करोड़ के आसपास ही आप खर्च कर पा रहे हैं ठीक है अराउंड एक फिगर यहाँ पे बता रहा कोई रटना नहीं है लेकिन ये हो क्यों रहा है ऐसा अब देखिए क्या है कि आप अगर आर एंडी की बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो यहाँ पे चाहे वो प्राइवेट कंपनीज ही क्यों ना हो वो आपके नेशन स्टेज पे काफी एकदम जो जो तो नवजात बच्चे जो होते हैं जो इनिशियल फेज में है अभी काफी ज्यादा तो अब वो कितना आर करेंगे कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं ठीक है कर रहे हैं आर के लिए पहले वो कंपनी बड़ी हो काफी उसके पास एक्सपर्टाइज हो तो फिर वो नई नई चीजों में करेंगे ना तो अभी शुरुआती में कितना एक्सपेरिमेंट कर पाएगा इंसान ओके okay. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ की अभी एकदम से अभी आप आपने सोचा प्रीलिम्स की अभी यूपीसी की तैयारी करता हूँ तो अभी एकदम से अब मेन्स आंसर राइटिंग एथिक्स और सब कुछ एक बार में कवर अप कैसे करेंगे जब तक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं हो कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो इस तरीके से करो बट अगर आपने दो चार साल इन्वेस्ट कर दिए दो तीन साल पढ़ा है एग्जाम्स दिए हैं मेन्स लिखा है तो आपको एक आइडिया लगेगा है कि नहीं तो वही बात है तब आप उस पर आर एनडी कर सकते हैं कि नहीं अब इस तरीके से लिखना चाहिए ऐसे लिखना चाहिए फिलहाल तो लिखना सीख ले तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है उतना रिसर्च पे नहीं हो पा रहा है खर्च ऐसा हम नहीं हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे प्रोडक्शन हम कर रहे हैं लेकिन रिसर्च पे उतना खर्च नहीं कर पा रहे तो उसी पर यहाँ पे ये यह बात चल रही है ठीक है तो ये सब सबको जिस तरीके से आपको समझाया है यहां जा रहा है ना उसी तरीके से पूरा प्लान भी किया हुआ है जो बैच यहाँ पे हम चला रहे हैं क्योंकि किसी भी बैच में हम फिफ्टी से ज्यादा स्टूडेंट्स रखते ही नहीं है ये सीधे जो अगर मैंने कहा कि थर्ड आपका थर्ड चालू हो गया इट मीन्स कि बैच कंप्लीट हुआ उसके बाद ये थर्ड बैच स्टार्ट कर दिया ताकि फिर स्टार्टिंग से सब पे ध्यान देते रहे ओके okay? और आपका प्रीलिम्स रहे मेंस रहे इंटरव्यू गाइडेंस रहे जो भी है क्योंकि यहाँ पर तो दिल्ली में बैठ के ये चीज कर रहे हैं तो आप सबके लिए काफी बेनिफिशियल है यहाँ ये चीज नहीं है कि सिर्फ आपको करंट अफेयर्स करा दिया अब कहाँ जाए अब कहीं और भटकते हैं पॉलिटी के लिए कहीं भटकते हैं सी सेट के लिए सी सेट निकल नहीं रहा है कहीं भटकते किसी और चीज के लिए भटक भटक के क्या होगा इसीलिए ये जो है अभी फोर ट्रिपल लाइन कोई हिडन चार्जेस नहीं है प्रिलिम्स मेन्स इसमें आपका एथिक्स वगैरह भी अच्छे से कवर अप हो जाएगा मेन्स आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी किस तरीके से करते हैं प्रिलिम्स के सारे सब्जेक्ट्स की आपको वीडियो मिलेंगे लाइव जिस जिस तरीके से आपको ये मिल रहा है उस तरीके से वो सारे मिलेंगे इसके बाद आपके लिए एथिक्स तो बोला ऐसे राइटिंग तक प्रॉपर सिखाई जाएगी तो ऐसा कुछ छोड़ा नहीं जाने वाला है यहाँ पे कि यार हो गया अब इंसान ने इतना कर लिया उसके बाद परेशान हो गया अब मैं क्या करूं जी नहीं ठीक है तो ये इस तरीके से एक अप्रोच है हमारा ताकि लोग एकदम यहाँ पे बोले कि नहीं ठीक है हम यहाँ पर बिल्कुल शांति से रिलाय कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं काफी यहाँ पे एक्सपेरेंट्स ऐसे हैं जो तीन चार अटेम्प्टच पांच पांच दिए हैं वो उन्होंने भी इनरोल कराया उन्होंने तक ट्रस्ट दिखाया तो दैट वी कैन श्योरली से कि आप सब भी यहां पे कर सकते हैं कोई इशू नहीं होगा ठीक है चलिए ठीक है लिंक जो है आपकी हर एक चीज की कमेंट बॉक्स में रखी हुई है अब ये एक इंपॉर्टेंट है यहां पे देखिए मिशन शक्ति आपको या याद रखना है मिशन शक्ति ये क्या एंटी सैटेलाइट मिशन टेस्ट है

प्रोजेक्ट आकाश तीर ठीक है चलिए इसके बाद ये कुछ वे फॉरवर्ड है मैं ये कहूंगा पॉज करके पढ़ लें इसको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि ये विजय राघवन कमेटी है इन्होंने कुछ यहाँ पे बोला है कि भाई इस तरीके से इनोवेशन करना चाहिए स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड ऑल ठीक है इस तरह की लेबोरेटरी होनी चाहिए नेशनल लेवल पे डीआरडीओ की लैब्स होनी चाहिए डीआरडीओ अकेला क्या करेगा तो छोटे छोटे उनका बोला लैब्स वैब्स बना दो एक साइंटिस्ट है कुछ वहां पे गाइडलाइन रख दो लोग आए सीखे वहीं से बैठ के समझे तो ये चीजें हैं यहाँ पर अब सबमरीन एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर की बात की जा रही है अब अगर यहाँ देखा जाए जो सबमरीन एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है ये डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है क्या सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपेडो स्मार्ट सिस्टम स्मार्ट सिस्टम के अच्छे से रिलेटेड है अगेनि हो गया इंपॉर्टेंट ये है आपका डीआरडीओ से रिलेटेड जो कि आपका सबमरीन एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वार्फ, से रिलेट करेगा आपको समरिन क्या है वो तो पंडुब्बी कहते हैं जो है ना आपके समुद्र के अंदर रहती है और फिर वहां पर सर्विलेंस करती रहती है ये बाकी जो स्मार्ट जो ये है सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपेडो ये जो है डिजाइन एंड बाय ये डेवलपीआरडी होना सबसोनिक का मतलब होता है साउंड की स्पीड से कम सुपर सोनिक का मतलब हो गया साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज ओके तो ये सब जो है छोटी छोड़ छोटी चीजें यहाँ पे हमें याद रखना है इसी के बारे में बाकी है तो बाकी वो प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है बाकी यहाँ कुछ और सम्बरीन भी है जो भी आपका कलवारी क्लास में आती है डीजल इलेक्ट्रिक सम्बरीन है ये प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा और कौन कौन नाम है आप देख सकते हैं किसी की नया नाम दे दिया इसमें कि और तो वो नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पे ये याद रख सकते हैं आप ये है आपका कलवारी खानदेरी करंज वेला वागीर एंड वाक्सिर ये जो है यहाँ पे है जो कि अंडर ट्रायल अभी चल रहा है अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बाकी जो कंट्री है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है ये सर क्या जरूरत है अभी ये सब करने की पैसा भी एजुकेशन या फिर हम पॉवर्टी रिडक्शन या फिर ये सब चीजों में यूज करें आता होगा ना अंदर से बात की ये सब में तो भी बहुत पैसे लग जाते हैं बट जरूरी है सेवेंटी एट सब है चाइना के पास ठीक है वो कुछ दे भी देता है पाकिस्तान को डीजल इलेक्ट्रिक संबर्गी तो तुम भी चलाओ और बाकी ये पूरा डेटा वेटा क्या करेंगे आपस में ही इंडिया को और वो क्या कर रहे हैं इंडियन ओशियन को भी जो है अपने कैप्चर में लेना चाह रहे हैं और इंडिया के पास फिलहाल सोलह ही है तो ये बढ़ाना इसलिए जरूरी हो जाता है ना कि अपनी सिक्योरिटी काफी ज्यादा जरूरी है और चाइना जो है इस चीज में काफी पैसा है होने के कारण ही क्या कर रहा है धीरे धीरे हर एक चीज को ये कर रहा है जिस पहले साउथ चाइना सी पे तो पूरा दबदबा कर ही लिया सोच रहे इंडियन ओशन पे भी कर लेते हैं इधर पैसिफिक पे भी फिर धीरे धीरे करेंगे तो ये चीजें हैं अब थ्रेड जो है ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन अब रेडिकलाइजेशन क्या होता है ना ऑनलाइन कि एकदम ये हालांकि इंटरपोल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एनसीबी इनका कहना है कि काफी ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो रहा है ऑनलाइन और वहां से ऑर्गेनाइज क्राइम करवाए जा रहे हैं आप अच्छा आप वेब सीरीज भी देख रहे होंगे उसी तरीके की बन रही है तो थोड़ा आइडिया भी लग जाता होगा लॉन्ड्रिंग तो से साइबर काफी ज्यादा हो रहा है जिस में आप देखते होंगे कि आईएसआईएस ये सब जो होता है कि वो एक्सट्रीमिस्ट जो है इस्लामिस्ट ग्रुप बन जाते हैं फिर उनको बोलते है कि नहीं यू अदर्स इन द नेम ऑफ रिलीजन तो ये जो चीजें होती हैं ये ये भी आपके टेररिज्म में आ जाती है फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स काफी ज्यादा करवाए जा रहे हैं इस तरीके से चाहे कोई भी क्राइम ना जो भी ऑर्गेनाइज वे से हो रहा है फिर आपका ड्रग ट्रैफिकिंग जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रग्स वगैरह आ रहा है इधर हमारा गोल्डन ट्राइंगल और क्रिसेंट इसके बीच में इंडिया फंसा हुआ ये दोनों जो मैंने वर्ड बोले हैं ये एग्जैक्टली क्लिक क्या है गूगल करे कमेंट सेक्शन में लिखे ठीक है तो इस तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग होती क्यों है ये आप बताइए कोई सीधे ट्रांसफर क्यों नहीं कर देता अकाउंट में अब देखिए ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की अगर बात की जाए तो ये क्या ऑफ पीपल व्यूज जो कि एक्सट्रीमिस्ट आइडिया ठीक है कि अब इसके बाद क्या है कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है रेडिकलाइजेशन का ये कुछ सोशल हो सकता है पॉलिटिकल होता है रिलीजियस रिलीजियस मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया पॉलिटिकल भी होता है काफी ज्यादा कि हमें कुछ भी हो जाए हमें इस तरीके की ही पार्टी चाहिए या इधर ही चीजों को बार बार आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी किया जा रहा है ये चीज कि नहीं ये पार्टी ही बहुत अच्छी है या यही बहुत बुरी है अब मैं बार बार वही कहता हूँ पार्टी ओरिएंटेड नहीं होना है या फिर हमारा दिमाग लगाना है कि भाई किसी ने कोई काम अच्छा किया है तो काम अच्छा है कोई बुरा किया है वो बुरा है आप रेडिकलाइज ना हो जाए किसी एक चीज के चक्कर में कि बस आ गए लड़ने झगड़ने देखो उसने ये किया उसकी बस खराबी ही दिख रही है सामने वाले की खूबी ही दिख रही है ठीक है ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए ओके okay. अब लोन वुल्फ ये सबसे खतरनाक चीज है लोन वुल्फ क्या होते हैं अकेले होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े होंगे कि आए ऐसा ऐसा कहीं किसी से जुड़े हुए हैं या लश्कर तय किसी से जुड़े है? जी नहीं ये अकेले ही होंगे लोन वुल्फ और ये सब देख देख के देख देख के क्या होता है अकेले ही बाद में टेरर अटैक कर देते हैं इनको इतना रेडिकलाइज कर दिया जाता है इनको इतना रेडिकलाइज कर दिया जाता है कि वो बाद में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना होते हुए भी इस तरीके के टेरर अटैक कर देते हैं कि आपके साथ इस देश ने ऐसा किया ये किया वो किया फलाना किया ठिकाना किया कश्मीरी लोगों को बहुत तकलीफ दी जा रही है ये दी जा रही है वो दी जा रही है बट वो लोग जो होंगे ना जो ये सब ज्ञान दे रहे होते हैं दूसरे देश में बैठ के वो सब कभी ये सब पे बात नहीं करते ना कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ क्या हुआ नहीं हुआ तो वो रिलीजियस आपको बेचारा दिखा के ये चीजें कर रहे हैं तो बट हमें हमें समझना है कि भाई हमारे पूरे देश में हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो सिख हो ईसाई हो जैन हो पारसी हो हर एक इंपॉर्टेंस रखता है हमें एक्सटर्नल फैक्टर से लड़ना है इन चक्कर में इंटरनली इन, रेडिकलाइज नहीं हो जाना है ठीक है अब यहाँ पे बात की जाए कि फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है भाई हो क्यों रहे लोग रेडिकलाइज पहला तो इकोनॉमिक फैक्टर है कि पैसा लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ठीक थी है है तो उतना नहीं तो लोग भी यही सब में टाइम पास कर रहे थे अब अब एक मैंने यही सब सोच के तो ये स्टार्ट किया था चैनल बताइए ये सब चीज तो कम से कम मैं आपको फ्री में पढ़ा देता हूँ कि नहीं हमारी टीम भी अब धीर धीरे धीरे टीम बिल्डिंग होने लगी पहले तो मैं अकेले था तो इससे क्या होता है कम से कम फ्री में इंसान इंस्टा और ये सब चलाने से अच्छा है लगता होगा चलो ठीक है प्रतीक सर के वीडियोज देख लेता हूँ पढ़ लो कुछ हो जाएगा एक उम्मीद जगती है वरना तो पढ़ाई अभी इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि लाखों की फीस शहर में आके रहो और बहुत सारी चीजें हैं जो हम पे अफोर्ड कर नहीं पाता बट इंस्टा फेसबुक व्हाट्सअप हर कोई फ्री कर रखा है तो इस चक्कर में क्या होता है ये रेडिकलाइज हो जाते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप एजुकेशन दो कम से कम रेट में फ्री कर सको फ्री करो या कम जितना हो सके ताकि वो खुद ही इंटरेस्ट उनका आ जाए तो ये एक पुश फैक्टर हो जाता है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है दूसरा सोचो रिलीजियस फैक्टर कि अब भाई मार्जिनलाइज रिलीजियस ये है फिर आइडियोलॉजी कुछ ऐसी ठीक है, कि है, इस है, है समझ नहीं आता कभी कभी कि भाई ऐसा कैसे हो जाता है कि इतने पढ़े लिखे समझदार लोग भी यहाँ पे जाके ज्वाइन कर रहे हैं मतलब इंसान क्या भगवान को बचाएगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है यार आप क्या कर रहे हो ये सब अननेसेसरी यूथ इसके बाद जो है आपका पॉलिटिकल फैक्टर लॉस ऑफ ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन अब क्या होता है बहुत और जुडिशियरी उनको भरोसा ही नहीं होता तो वो बोलते नहीं हम ही हमारी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे ओके okay. तो ये सब चीजें हो जाती है फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर यार मेरे को तो कोई जानता ही नहीं है ठीक है मैं इतनी मेहनत की या फिर तो कुछ नहीं तो मुझे तो कोई नहीं जानता तो मैं चलेगा जाऊं और कहीं जाके कुछ क्राइम कर दूं मैं बंदूक चलाऊ गैंगस्टर बन जाऊं तो इसके कारण क्या होगा मुझे लोग जानेंगे ऑल दो बहुत ही बकवासी चीज है लेकिन वही होता है लोग नाम कैसे भी हो ना जो लाइन नहीं कहते जब तक बदनाम ना हो नाम कहां से होगा तो वो यहाँ पे कुछ ऐसी साइकोलॉजी होती है है पुल फैक्टर जो प्रोपगेंडा तो ये तो पुश कर रहा है ना हमें उसकी तरफ धकेल रहा है लेकिन खींच के आ रहा है कि रिलीजियस अब जाइए गाली गलोच ऐसी चलेगी फेसबुक इंस्टा पे जिसकी तो हदे नहीं है ओके जहां पे एक ग्रुप गलत होगा दूसरा शांत हो जाएगा लेकिन जहां मौका मिलेगा कि गाली देने का वहाँ गाली देंगे सीखेंगे कुछ नहीं एक दूसरे से जैसे डाइवर्सिटी वहाँ सीखना चाहिए तो ये सब चीजें हैं इसके बाद जो है कैपिटलाइजिंग क्राइसिस अब जैसे कि देखिए लोग इसका भी फायदा उठा रहे हैं कि अभी इसराइल का जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है आपको बहुत लोग मिलेंगे उनमें सोच सकते आप भी होंगे जो व्यूअर्स होंगे यहाँ पे कि वो पैलेस्टीन का लगा के रखे हुए एक लगा के रखा है इसराइल का लगा के रखा हुआ है ठीक है अब मेरा तो ये कहना क्या पेलेस्टीन इसराइल और जो पैलेस्टीन की भी अगर बात कर रहे हैं तो मुझे एक नॉर्मल सी बात आती है चाहे इसराइल के लोग मरे या फेलेटीन के लोग मरे जान की आप क्या किसी के पक्ष में यहाँ पे जा रहे हो जान तो जानी ही नहीं चाहिए पहली बात, और कोई जा रहा है बहुत बार क्या होता है कि आ, मुस्लिम कंट्रीज काफी ज्यादा है अब इसराइल तो एक ही है ना तो वो अपने ज्यादा व्यूज कहीं दे नहीं पाता है ऐसे कंडीशन में अगर आप ये बोलो कि यहाँ पे गलत हो रहा है को खत्म हो जाना चाहिए भी, कभी, कभी, कभी देख लेता हूं, भी चल तो वहां आपको एक चीज समझ में ये आएगी कि जब आप इतना बुरा बोल रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज नहीं आएगी आप रेडिकलाइज हो चुके हो कि दो मिसाइल्स पहले पेलेस्टीन और इधर की तरफ से जो है आपकी जो गाजा की तरफ से जो है ये आई है इसराइल पर दो हजार से मारी गई अगर इसराइल खत्म हो जाता तो बात ही खत्म थी दो हजार से बहुत होते हैं लेकिन तो बच गया उसने रेटेलिएट किया और फिर वहां पे भी जो कुछ आ, लोग मरे जिसमें फिर बार बार आ रहा है कि इसराइल देखो बच्चों को मार रहा है अरे भाई तो अगर गाजा से जब इतने आए थे तो वहां भी क्या उनके बच्चे बूढ़े नहीं मरे होंगे आपको इनकी मौत मौत दिख रही है वहां पे आप चुप ही बैठे हुए है ना तो ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए ये ये इस देश के ही अंदर देखने मिल जाता है कि आप सही बात है गोदरा में जो हुआ गलत हुआ ठीक है तो बट आप जो है कहीं और इस तरीके से गलत होता है कश्मीरी पंडित तो वहां भी बोलिए ये हर एक जगह जो है सिर्फ हम हमारा देखेंगे बाकी की जान की कीमत नहीं है ये बहुत एक निगेटिव माहौल जो है क्रिएट कर देता है है ना तो आपको सीधे बैकआउट करना चाहिए फिर कोई बोले कि यार ये जो है हमारा रिलीजियस प्लेस था या ये हमारी जमीन मेरा ये कहना रहने दो ना किसी की जमीन है अगर अयोध्या मान लीजिए कि हिंदुओं के लिए जरूरी है तो क्या उसको वो मिसाइल मार मार के वो वापस लेते हैं पॉसिबल ही नहीं है तो आपको तो जगह से प्यार ही नहीं ये इसलिए समझाना जरूरी है यहाँ पर जो रेडिकलाइज इतना ज्यादा हो जाते हैं टॉपिक ही ऐसा है जो रेडिकलाइज हो गए वही सौ में से अगर एक इंसान भी सब बात समझ जाए तो वर्थ है कि वापस बैक ऑन ट्रैक हो जाए यह सही तो बात है अगर मुझे किसी जगह से प्यार है मेरी आस्था है मेरा रिलीजियस फेथ है और वहीं पे कोई मिसाइल मार रहा है हजार दो हजार तो वो जगह ही नहीं बचेगी यार तो अब किस चीज के लिए ये सब कर रहे हो और अगर इसराइल का अगर ये एरिया उनका नहीं था मैं मान लेता हूं नहीं रहा होगा चलिए अब क्या वहां पे आप इतनी सी टुकड़ा नहीं दे सकते उनको कि शांति से जी सके बाकी तो आपके लिए सर हर हर कंट्री है वरना तो फिर इंडिया पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा था तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ के सारे पाकिस्तानियों को मार दिया जाए बांग्लादेशियों को मार दिया जाए फिर पूरा कैप्चर कर लिया जाए इंडिया के पास आज तो ये पावर है कि कर ही सकता है यहाँ पे आप छोटा सा है वो मुझे लगता है गोवा से भी छोटा होगा इसराइल वहां की ये हाल है और यहाँ तो हमने इतना बड़ा पाकिस्तान ये सब दे रखा है ये सब थोड़ा सोचिए है ना सामने यहाँ इंडिया में बैठ के प्लीज ये सब बातें ना किया करिए बाकी देश का इशू है वो ठीक है लेकिन आपस आप में जब इस तरह से लड़ते हैं तो बहुत तकलीफ होती है कि अब समझ नहीं रहे चीजों को अब हमने पड़ोसी देश को बोलिए कि वो वहां पर लड़ रहा है तो हम क्यों नहीं ले लेते हैं पाकिस्तान अब इस तरीके से लड़ी तो समझ में भी, भी आएगा हर कोई सपोर्ट करेगा लेकिन फिर भी मार्केट कहीं ये सही चीज है ही नहीं ठीक है कि आप अपने हिसाब से अपने ब्लॉक बना रहे हैं माइंड में आप अपने माइंड को डेवलप नहीं होने दे रहे हैं आप इसी में रेडिकलाइज हो जा रहे हैं हिप्नोटाइज बोलिए है, बोलिए जो बोलिए तो ये चीज बहुत खतरनाक है तो आई होप तो आपका दिमाग थोड़ा खुले ये सब चीज़ से अब देखिए इसके बाद जो है इनिशिएटिव्स बाई इंडियन आर्मी अब इंडियन आर्मी ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो है आपका एक सही रास्ता प्रोग्राम ये अब बताइए ये जो है ना ये आपका जम्मू एंड कश्मीर के जो यूथ जो रेडिकलाइज हो गए थे उनके भी पत्थर मार रहे हैं कुछ कर रहे हैं फिर जो मैंने बोला कश्मीर मित्र कश्मीर पंडितों को मारा गया ये सब रेडिकलाइज ही हो गए थे मार रहे हैं धर्म के नाम पे कभी कुछ कर रहे हैं तो इसके लिए सही रास्ता प्रोग्राम लाया गया बहुत जरूरी अब देखिए उमरान मलिक से लेके एक पर एक बॉलर निकल रहे हैं सब सब अच्छा कर रहे हैं इसके बाद ऑपरेशन सद्भावना जो सद्भावना का जो अच्छी भावना के साथ कुछ करना उसे सद्भावना कहा जाता है तो आर्मी ने गुडविल में स्कूल बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है चिल्ड्रेन को वहां पे पढ़ा रहे हैं रिमोट के में जो यूटी है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के और ये इस साल का फिल्म का क्वेश्चन भी था सद्भावना क्या चीज से रिलेटेड है ठीक है तो सोचिए इसी बार का ट्वेंटी ट्वेंटी नॉट रॉन्ग है ना तो बताए कमेंट सेक्शन में तो ये चीजें तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीजों को करना अगेन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन में ऑल हिट कर ले ताकि जब भी ये अपलोड हुआ करे वीडियो आपको आ जाया करे और आप उसे सभी से कंप्लीट कर ले ठीक है चलिए बाकी इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन होता है यूनाइटेड नेशन टेररिस्ट ट्रस्ट फंड में कि इस तरीके से जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे रोकने के लिए जो है इंडिया फाइनेंस जो है किया करता है अब इसके बाद जो है आपका साइबर थ्रेट एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स तो ये जो है साइबर थ्रेट्स ऑलवेज आ रहे हैं अब ये जो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024 ये कौन रिलीज किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वेरी इंपॉर्टेंट तो ये जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना ये आपका ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में ही बना है इंडिया का मेंबर है डेफिनेटली की रिपोर्ट जो ये निकालता है ये है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये प्रम्स के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है अब ये यहाँ पे क्या हुआ है कि कोविड के बाद से डबल हो गया साइबर अटैक क्योंकि हर चीज जो है ऑनलाइन हो गई है जैसे रिमोट वर्क कर रहे हैं हम डिलीवरी एप्लीकेशन कॉन्ट्रेक्ट पेमेंट आ गया है तो काफी ज्यादा आजकल आपके घर में भी बहुत बार देखते होंगे इस तरीके से कोई हैक कर रहा है कोई आपको अनवांटेड कॉल्स आ रहे हैं कि आप प्लीज पैसा दे दें या फिर मैं आपका कोई नोन पर्सन बोल रहा हूँ ये हो गया वो कैसे भी करिए ट्रैप काफी ज्यादा बढ़ गया इसमें अलग अलग तरीके की साइबर क्राइम जैसे फिशिंग फिशिंग में क्या होता है आपसे आपकी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा ली uh, लियान का और सब पिन सब ले लिया जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा भी कहीं से विड्रॉल हो रहा है फिर रैनसम वेयर अटैक इसमें क्या होता है भी सिस्टम है मान लीजिए मेरा लैपटॉप इसके अंदर मेरे सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें रहती है अब ये करेगा और बोल देगा कि अब ये सॉफ्टवेयर जो है हम जो है हम आपके रैनसम वेयर डाल दिया है, हम पूरा डेटा डिलीट कर देंगे या फिर आप आपको जो है मोटा पैसा दो दस लाख रुपए दो तभी आपका ये बचेगा डेटा ठीक है तो इस तरीके से रैनसम वेयर अटैक होता है कोई आईटी कंपनी में हो जाए बैंक बैंक में हो जाए इतने कस्टमर्स है पैसा है तो वहां पे वो बोल देंगे भाई पचास करोड़ दो तो ये सब चीजें होती है अटैक आपको समझ में अगर अलग तरीके से अलग अलग चीजें होती है डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन अभी पता ही नहीं चल रहा है कि लोन आ रहा है ना फेक लोन ऐप आ गए कि आप अपना आधार दीजिए ये दीजिए इंस्टेंट लोन देंगे भाई सब इंस्टेंट लोन दिया आपने सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया आपके नाम पे पता चला उन्होंने लोन उठा लिया है किसी और ने और आपको पता ही नहीं चल रहा है आपको एक मंथ बाद पता चल रहा है तब तक कि वो बंद करके भाग गए ठीक है तो ये सब बहुत सारी चीजें जो होती हैं अब एक म्यूल अकाउंट क्या होता है ये ऐसा एक अकाउंट है कि भले स्कैमर ने स्कैम किया पैसा आ गया उसके पास और वो सारा ट्रांजेक्शन किसी इनोसेंट सिविलियन के बैंक अकाउंट से कर रहा है कि जो भी चोरी हुआ पैसा इधर से उधर करने के लिए तो ये सब चीज जो है ये किसमें आता है इस तरीके का अकाउंट म्यूल अकाउंट में और अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ये जो है आपका रिस्पॉन्सिबल है रिसीव प्रोसेस एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ओके okay? अब जो आपका ये चक्षु चक्षु भी जो है ये फ्रॉड को भी आपको फोन आ गया कि मैं फलाने से बोल रहा हूँ ठिकाने से बोल रहा हूँ या आपके घर में कोई बच्चा है वो यहाँ पे बीमार पड़ा हुआ है या जेल में है तो आप जल्दी से पैसा भेजिए तो हम उसको छुड़वा देंगे आते हैं बहुत अजीब अजीब तरीके के कॉल्स आते हैं ना वी वी ऑल सच थिंग्स कि देखा है तो ऐसे टाइम में जो आपका ये जो चक्षु है ठीक है जो नया चक्षु जो बोलते हैं तो वो वहां पे जाके आपने ऐसा भी कुछ देखा है या फिर रिपोर्ट किया है तो उससे जाके आप इस कम्युनिकेशन को बताएं ओके तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे होती है अब देखिए न्यूज एंड शॉर्ट्स की अगर बात की जाए तो ये है आपका अरेस्ट अंडर यूएपीए एक्ट ये जो हो गया आपका अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट ठीक है इस एक्ट के बारे में यहाँ पे बात चल रही है कि जो भी अगर आप कभी भी किसी को अरेस्ट करते हैं ना तो उसका रिटर्न रीजन होना चाहिए कि भाई साहब आपने अरेस्ट किया क्यों ठीक है तो रिटर्न रीजन होना चाहिए ये ये इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स के लिए सीधे आ जाएगा कि रिटर्न 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 रीजन होना चाहिए आपको लगेगा नहीं ऐसा रिटर्न रिटर्न कहा लेकिन होगा ठीक है और आर्टिकल ट्वेंटी टू वन इसमें भी बोला गया है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड सेल्वी डिटेन कस्टडी विदाउट बींग इन्फॉर्म पता होना चाहिए कि एटलीस्ट किस ग्राउंड पे एक्सेप्शन है लेकिन वैसे पता होना चाहिए ठीक है अब अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस या फिर इसके लिए है तो ना भी पता है बात अलग है लेकिन एक जर्नराइज वे में वो पता होना चाहिए इसके बाद जो है आपका हरमिस 900 ये इंडियन आर्मी और नेवी ने रिसीव किया है हरमिस 900 हंड्रेड कहां से इसराइल से देखिए है इसराइल हमेशा हमें हेल्प करता है ठीक है कि अपना हम सर्विलेंस कैपेबिलिटी कैपे बढ़ा सके तो सर्विलेंस के लिए लिया गया है हरमिस नाइन हंड्रेड यहाँ पे आपको याद रखना इसके बाद जो है आपका तरकश ये इंडिया यूएस का ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म कहा हुआ है कोलकाता में तो कोलकाता में तर्कश हुआ है इंडिया और यूएसए का इंपॉर्टेंट है ना तर्कश इसके बाद इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी और यूएस स्पेशल नेशनल फोर्स एसओएफ इसके बीच में हुआ है ठीक है तो कोलकाता वैसे भी आपको लगेगा समुद्र के पास में तो ये नेशनल सिक्योरिटी और ये इस तरीके की फोर्स इसके बीच में और शक्ति शक्ति जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ मेघालय में हुआ है पे मेघालय में ठीक है इंपॉर्टेंट है तो ये आपको पे इस तरीके से याद रखना है अब यहाँ पर जो है चीजें कंप्लीट हो चुकी है अगला जो रहेगा आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा बाकी आप इसके पहले का अगर आपने नहीं पढ़ा है आपको रिवाइज भी मैं बोलूंगा बार बार करते रहकर कम से कम पिछले एक साल का तो रिवीजन करें ही करें तो सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ठीक है आप जाए वो प्लेलिस्ट देखें तो आप हर एक चीज मिल जाएगी आपको तो कवर अप करते चले जाए कम से कम दो साल का तो करंट अफेयर आज के टाइम आपको रेडी रखना ही पड़ेगा अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम को, को क्रैक करना है ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए जय हिंद